सड़क पर मची ये चीख पुकार कुल्लू जिले की है, जहां एक निजी बस उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब वह सुबह 8 बजे ओट की ओर जा रही थी। सैंज घाटी के न्यूली सेंसर सड़क पर जंगला नाम की जगह पर यह दर्दनाक हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि सड़क पर मलबा गिरा था और चालक बस को साइड से निकाल रहा था। इस दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। काफी ऊंचाई से गिरने के कारण बस के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भयानक था कि बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में 12 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि घायलों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। इस बस में हादसे के समय स्कूली बच्चों समेत 15 लोग सवार थे। ये हादसा किस वजह से हुआ, खुद कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया। सड़क बहुत अच्छी है वहाँ, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पर जो है वो सुबह ही लैंडस्लाइड हुआ था, तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी लोग जिन्होंने वहाँ पर जो है मौके पर देखा है, हमारे विधायक श्री सुरेंद्र शौरी जी मौके पर हैं और डिप्टी कमिश्नर कुल्लू भी मौके पर हैं, तो वहाँ से बस निकालने का प्रयत्न किया लेकिन बस जो है वो खाई में गिर गई, जिसके कारण ये कैजुअलिटी हुई है। इसमें जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से जो भी सहायता जो है वो दी जानी है, वो सारी कंप्लीट सहायता जो है वो सब दी जाएगी। जो इंजर्ड हुई हैं और जिनकी डेथ हो गई है उनको भी जो रिलीफ मैनुअल है उसके मुताबिक मदद जो है वो प्रदान की जाएगी। जैसे ही हादसे की खबर फैली वैसे ही केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार के नेता दुख जताने लगे। पीएम मोदी से लेकर सीएम जयराम, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर हादसे में मरने वालों के प्रति संवेदनाएं जताई। जहां एक ओर पीएम मोदी की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए जबकि घायलों को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में हिमाचल में सड़क हादसे बढ़ जाते हैं, लेकिन मौजूदा रिपोर्ट के अनुसार ये हादसे पिछले 5 सालों में कम जरूर हुए हैं। अगर हम साल 2016 से लेकर 2020 तक के आंकड़ों की बात करें तो साल 2016 में 3,168 हादसे हुए जिनमें 1,271 लोगों की मौत हुई। 2017 में 3,114 हादसों में 1,203 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2018 में हादसों में कमी होते हुए ये आंकड़ा 3,110 पर पहुंच गया, जबकि 1,208 लोगों ने हादसों में दम तोड़ा। अगर 2019 की बात करें तो 2,873 सड़क हादसों में 1,146 लोगों की मौत सामने आई, तो वहीं साल 2020 में ये आंकड़ा कम होकर 2,239 रह गया और 893 लोगों ने हादसों में अपनी जान गंवाई। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर हादसे लापरवाही या फिर लैंडस्लाइडिंग की वजह से होते हैं। ऐसे में कुल्लू बस हादसा भी माना जा रहा है कि चालक की लापरवाही से हुआ, क्योंकि जब लैंडस्लाइडिंग से रोड पहले ही ब्लॉक था तो फिर चालक ने उस रास्ते से बस निकालने की जिद क्यों की। फिलहाल सरकार ने मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए हैं और ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा कि इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। पीचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।